कट गया भाई। हेलो, अरे देखियो कट मेरे में था ना, फिर में कट गया ये रिमोट मिल गया भाई, अदर प्रॉब्लम है क्या? ये क्या करी क्या बात? तो देखिए ये घाट यहाँ पर जो है समर्पित करेंगे, उससे पहले यहाँ पर देखिए जो पंडित है वो यहाँ पर मंगला उच्चारण के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के साथ इस घाट का उद्घाटन करवाएंगे, और उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो है इस बोट से सवार होकर ललिता घाट जाएंगे, जो आगे का उनका कार्यक्रम है। लेकिन देख सकते हैं कि पूरी सिक्योरिटी है इस घाट पर, बहुत ज़्यादा पब्लिक को नहीं आने दिया गया है, क्योंकि इस घाट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है, जो तमाम उनके विकास के कार्यक्रम हैं उनमें से एक कार्यक्रम ये भी है आज। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अपनी चाल में, जिस चाल के अंदर वो चलते हैं वही उनका दृश्य। और देखिए आप पूरे घाट का जो मैप बनाया गया है उसको देखते हैं, और वहाँ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उनके साथ हैं, और यहाँ से अब वो जो है बोट पर सवार होकर ललिता घाट जाएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत के जरिए समझते हुए कि घाट के आने और जाने का रास्ता लोगों के लिए कैसे खत्म होगा, कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ये सारी बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है योगी आदित्यनाथ के साथ कर रहे हैं नेहा। और आप देखिए कि पूरे घाट का मुआयना तरीके से वो विकास कार्यों पर नज़र बनाए हुए हैं, और एक के बाद एक नए तरीके से आइडिया लाते हैं, और आज काशी कॉरिडोर का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को एक नई सौगात देने जा रहे हैं और साथ में दे रहे हैं। तो ये काशी पर खिड़किया घाट का उद्घाटन करके, और अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए जाते हुए बोट की तरफ, आप देखेंगे उनके साथ जो है योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जितने विकास कार्य हैं उनको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि ये सभी विकास कार्य जो है इसलिए इनका उद्घाटन किया जा रहा है या शिलान्यास किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले ये एक तरीके से बीजेपी दिखाना चाहती है कि उन्होंने कितना काम किया है। लेकिन अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि कई पुरानी योजनाओं को ही जो है वो उद्घाटन कर रहे हैं उनका काम पूरा होने के बाद। देखिए बिल्कुल घाट का मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो एक एक चीज़ देखते हैं, छोटी से छोटी चीज़ पर जो है वो नज़र रखते हैं, और यही कारण है कि वो इतना समय इस घाट पर बिता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि घाट पर लोगों का आने का क्या कार्यक्रम कैसे बनेगा। वो चीज़ें खुद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। नेहा, देखिए अब से कुछ ही देर या ये कह सकते हैं कि लगभग 5 मिनट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घाट पर रहेंगे, और उसके बाद जो वो बोट मैं दिखा रहा हूँ उसी पे सब। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आगे की तरफ जाकर घाट का पूरी तरीके से मुआयना करते हुए, और अब यहाँ से ये देखिए कि गंगा के घाट से गंगा को निहारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जितने डेवलपमेंट हुआ है वो एक तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं, और
जो भी उसके बाद भी कोई दिशा निर्देश होंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो दिए जाएंगे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के जितने विकास के कार्य हुए हैं पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर उनका निरीक्षण करते हुए और वोट के जरिए वो सभी घाटों को देखते हुए जाएंगे जो इस तरफ से कह सकते हैं दशमेध घाट की तरफ जाने का रास्ता है, उस पर जितने घाट हैं उनके डेवलपमेंट कैसे चल रहे हैं उन सभी घाटों का निरीक्षण करेंगे और जो जरूरी निर्देश होंगे वो प्रधानमंत्री के द्वारा जरूर दिए जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्य काशी और भव्य काशी का जो संकल्प लिया था वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, जिसकी शायद कल्पना काशीवासियों ने कभी नहीं की थी 2014 से पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 के अंदर चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आया हूँ, मुझे काशी और माँ गंगा ने बुलाया है यहाँ लड़ने के लिए। और देखिए उसके 7 साल के अंदर जिस तरीके से काशी के अंदर कायाकल्प कर दिया विकास के कार्यों के जरिए वो देखने योग्य है, क्योंकि ये बात काशी के लोग भी कह रहे हैं कि काशी जो है वो दिव्य थी पहले, लेकिन भव्य बनाने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो अब वो जो है ये कह सकते हैं कि इस बोट के जरिए जो है वो ललिता घाट के लिए रवाना हो गए हैं। अब वो बोट पे सवार होंगे थोड़ी देर के अंदर, लगभग 1 से 2.5 मिनट में। आप देखिए कि उनके सुरक्षाकर्मी जो SPG है और उनके जो PMO के अधिकारी हैं वो उनके साथ हैं, वो पीछे पीछे अब चल दिए हैं। और ये दृश्य एक तरीके से कहा जा सकता है कि विकास की नई गाथा जो है वो वाराणसी के अंदर लिखी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों काम किए हैं पिछले 7 सालों में, जब से वो वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीते हैं 2014 में, 19 में लगातार विकास कार्य जो है वो नहीं रुके, चाहे कोविड काल के दौरान लॉकडाउन के बाद से उन्होंने जो विकास कार्यों की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई थी, लेकिन उसको उसी तेजी से काम करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। और आप देखिए अब उनका जो एक तरीके से कभी काशी की जनता ने नहीं सोचा था कि काशी विश्वनाथ का ये स्वरूप भी उनको कभी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके की संकीर्ण गलियां वहां पर थी वो बहुत भक्तों को दर्शन करने के लिए बहुत कह सकते हैं कि उनको उसके साथ जाना पड़ता था, लेकिन अब उनके लिए खुला दरबार है और वहाँ ना सिर्फ भक्तों के दर्शन के लिए सुख सुविधाएं होंगी बल्कि वहाँ पर कई जो है सुख सुविधाएं भी दी गई हैं, जिसमें वहाँ जो भक्त हैं वो बैठ सकते हैं, अपनी भक्ति कर सकते हैं और वहीं से दर्शन करने के बाद सीधा गंगा घाट जाएंगे ललिता घाट तक और गंगा स्नान भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये शायद काशी के लिए एक ऐसी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है जो काशी के लोगों ने जनता ने कभी नहीं सोची थी। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब वो इस बोट पर सवार होकर निकल रहे हैं यहाँ से और उनके सिक्योरिटी जो है वो खुद पहुँच गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी जो है इस बोट पर सवार हो गए। उधर में है
संकल्पना प्रधानमंत्री ने इसकी तैयार की। अनेक चुनौतियों के बीच पिछले दो वर्षों की कोविड की चुनौतियों के बीच काशी ने ये बता दिया कि काशी कभी सोती नहीं है, काशी कभी रुकती नहीं है, काशी का निर्माण हमेशा चलता रहता है, काशी अनवरत है, शाश्वत है। और उसी अनवरत शाश्वत साधना प्रक्रिया के पूर्णाहुति का आज दिन है जब बाबा विश्वनाथ के धाम का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री बाबा धाम पहुंच रहे हैं। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से जनसमुदाय उमड़ पड़ा है समूचे घाट पर प्रधानमंत्री और अपने प्रिय प्रतिनिधि जन नायक महानायक का स्वागत करने के लिए और जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ जनता जनार्दन को प्रणाम भी कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम पधारने पर बाबा विश्वनाथ को भी प्रणाम कर रहे हैं। गर्भगृह में जलाभिषेक के बाद माननीय प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदया का आगमन, मैं चाहूंगी आप सब तालियों से उन्हें अपना आशीर्वाद दें। हर हर महादेव। माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का आगमन, और बस अब कुछ ही पलों का इंतजार। गर्भगृह में पूजा अर्चना के बाद वृक्षारोपण करके रुद्राक्ष का पौधा आज की स्मृति में माननीय प्रधानमंत्री जी लगा। Thank you.
जीर्णोद्धार है आज, ये हम लोग के लिए अद्भुत अलौकिक दृश्य है। Thank you.